अहिवारा विधानसभा अंतर्गत विकास खंड धमदा के ग्राम पंच देवरी गांव में चुनाव के समय कई नेता आए, वायदे किए और चले गए, लेकिन नेताओं द्वारा इस गांव को अनदेखा किया जाता रहा है। शासन की कई ऐसी योजनाएं प्रदेश में चल रही है, लेकिन पंच देवरी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना असफल होती नजर आई। बताया जा रहा है कि इस गांव को आवास लक्ष्य से ही हटा दिया गया है, जिसका कारण अज्ञात है। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव पंच देवरी के निवासियों का कहना है कि गांव के किसी भी व्यक्ति को पीएम आवास नहीं मिला है। आने वाले समय में देखना होगा कि गांव वालों को कब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाता है। लगभग 1350 की जनसंख्या वाला ये गांव पंच देवरी है और इस गांव में अनुसूचित जाति के लोगों की बहुलता है। लगभग 90% लोग अनुसूचित जाति के, 57 समाज के लोग रहते हैं। इस गांव में 288 BPL कार्डधारी लोग हैं और इस गांव में टोटल 193 कच्चे मकान हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें लाभान्वित होना था, लेकिन यहां के अधिकारियों जरूरी है अनुसूचित जाति बहुल्य गाँव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि 2022 तक के हर गांव में कच्चा मकान नहीं होना चाहिए। और ये दुर्भाग्य है धमदा ब्लॉक के बंदोरी गांव का, यहां पर एक भी परिवार को प्रधानमंत्री आवास की योजना का लाभ नहीं मिला। आप देख रहे होंगे नगर पालिका क्षेत्र में सब लोगों जो जिनका कच्चा मकान उनका पक्का मकान बन रहा है, ग्राम पंचायतों में बना, लेकिन अभी राशि नहीं आ रही है, शासन का राशि नहीं भेजा जा रहा है इनके काम, लेकिन हर गांव में इसका काम चल रहा है और ये पंचदेवी गांव में नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी शासन से मांग करती है कि ग्राम पंचदेवी में जो लोग इसके